प्रभावशाली बनाने से संबंधित राजधानी रांची के धुरवा स्थित जुडिशियल एकेडमी में सेमिनार का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट देखिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस विषय पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जुडिशियल एकेडमी में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जस्टिस अपरेश सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में हाई कोर्ट के कई जज समेत संबंधित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जस्टिस अपरेश सिंह ने अधिकारियों को सजग होकर काम करने का निर्देश दिया, ताकि पॉक्सो अधिनियम बेहतर तरीके से लागू हो सके और इस अधिनियम से बच्चों को इंसाफ मिल सके। जस्टिस अपरेश सिंह ने चतरा के कोर्ट को मॉडल कोर्ट बताते हुए कहा कि अदालतों को चाइल्ड फ्रेंडली होने की भी जरूरत है, ताकि बगैर हिचक के पीड़ित बच्चे अपनी बातों को रख सके। Today when I stand before all of you, I really feel that every one of us present in the gallery, of course not to leave aside the entire civil society, every one of us has this responsibility to ensure the safe living and future of every child in our state and in our country, so that they become responsible future citizens of this country and global citizens also. वही बाल संरक्षण सोसाइटी के निदेशक बी राजश्री ने कहा कि समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, पंचायत स्तर पर कमेटियां गठित करनी होंगी। वही बाल संरक्षण सोसाइटी सचिव कृपानंद झा ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट की तरफ से समय समय पर टीम को निर्देश मिलते रहता है, जिससे काम करने की प्रेरणा मिलती है। बार पंचायत स्तर पर कमेटियां भी गठित करने हैं, जो नए मिशन के गाइडलाइंस आए हैं, बच्चों के हित के लिए, बच्चों की सेफ्टी और उनके ओवरऑल होलिस्टिक सर्वांगीण विकास के लिए निचले स्तर से भी कार्य करना होगा, लोगों में अवेयरनेस लाना होगा और प्लस जितने भी हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए, उसके बारे में इनके इन तक जानकारी लेना होगा। विभाग स्तर से जरूरी निश्चित रूप से इस पर कार्य किया जाएगा। और जो केसेस हमारे इंडियन पिनल कोड में नहीं कवर हो पाते थे, उसको भी हम पॉक्सो एक्ट में कवर कर पा रहे हैं। और ये तो एक कॉन्टिन्यूस और ऑन गोइंग प्रोसेस है और इस तरह के वर्कशॉप्स होते रहेंगे, और जब तक ऑनरेबल हाईकोर्ट के लेवल्स वगैरह से अगर हम लोगों को गाइडेंस मिलता है, डायरेक्शन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो किसी भी काम को करने की प्रेरणा भी मिलती है और हम लोग सफलतापूर्वक उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। धुरवा के जुडिशियल एकेडमी में यौन अपराध से जुड़े चल रहे एक दिवसीय परामर्श कार्यक्रम में ये देखा गया कि अधिकारियों ने अधिनियम के आने के बाद बढ़ते मामलों को सकारात्मक रूप से लिया, लेकिन उन्हें यह भी देखना चाहिए कि कानून लाने का उद्देश्य अपराध को बढ़ाना नहीं रोकना था, जिसके लिए काम करने की जरूरत है। सहयोगी मंटू के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।